दिस ऐप इज गोइंग टू बी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, यू विल स्टार्ट टाइपिंग एंड यू विल सी कि आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन सारा काम सेम है, रिपीट मार लो जल्दी से, आई गेस कर भी लिया होगा। लीनियर लेआउट, ऑल्दो इस ऐप में उतना मैटर नहीं करता बट ठीक है, कर लो, मेक इट अ हैबिट। ओरिएंटेशन विल बी वर्टिकल एंड ये टेक्स्ट व्यू हटा दो, वी डोंट नीड दिस टेक्स्ट व्यू, नहीं चाहिए टेक्स्ट व्यू हटा दो। एंड द कंपोनेंट दैट वी रिक्वायर इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, लिखो कैपिटल में ए, आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, दिस इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट व्यू। एंटर मारो, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और इसको आई गेस और कुछ देने का जरूरत नहीं है, बस एक आईडी दे दो बिकॉज पीछे चाहिए पड़ेगा जावा में, एट द रेट, और इसका नाम रख दो सर्च बिकॉज मोस्टली इट विल बी यूज्ड फॉर सर्च फंक्शनैलिटीज, दैट्स इट, आई गेस और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। नाउ लेट्स गो टू मेन एक्टिविटी डॉट जावा एंड गाइज स्क्रीन पे देखो, यहां पे विल हैव टू क्रिएट अ ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, लेट्स कॉल इट एसीटीवी, राइट, एसीटीवी बुला लो उसको, और फिर नीचे आकर के जो आप हमेशा करते हो करो, एसीटीवी इक्वल टू ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, वहां पे नाम था सर्च, दैट्स इट, ये हमने कनेक्ट कर लिया, राइट। नाउ यहां पे थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट्स हैं जो नए हैं इस ऐप के लिए, इस ऐप के हिसाब से। फर्स्ट, अब देखो वहां पे जो डेटा आता है, लेट्स से आप टाइप करवा रहे यूजर को उसका कंट्री का नाम, तो जैसे वो टाइप करना स्टार्ट करेगा लेट्स से इंडिया, तो आई के नाम से सारी कंट्रीज आने लगती हैं, राइट, पर वो डेटा आता कहां से, कहीं ना कहीं से तो आता है ना, देयर हैज टू बी सम डेटा सोर्स, जनरली इन मोस्ट ऑफ द एप्स दैट डेटा सोर्स इज डेटाबेस। इमेजिन करो आप फेसबुक के ऐप पे आप टाइप कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में, राइट, तो जैसे आप सर्च कर रहे हो उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में, वो डेटा कहां से आ रहा होगा, फेसबुक के डेटाबेस से, क्योंकि वहीं पे तो स्टोर्ड है, राइट, बट क्या हमने डेटाबेस पढ़ा है, नहीं पढ़ा। सो हम क्या करेंगे, हम एक ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्स बनाएंगे जो हमारे केस में क्या रहेगा, एरे, एरे सुना है, हम यहां पर अपने हिसाब से एक हार्ड कोडेड डेटा सोर्स बनाएंगे विच विल बी एन एरे, स्ट्रिंग एरे, जिसमें हम कंट्रीज का नाम लिख देंगे, और वही डेटा सोर्स मेरे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के लिए सोर्स का काम करेगा डेटा के लिए, ठीक है। सो एक काम करो, जहां पे आपने वेरिएबल क्रिएट किया है एसीटीवी, उसके नीचे क्रिएट अ स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे जावा में ऐसे क्रिएट करते हैं, यू राइट स्ट्रिंग एरे का नाम, कंट्री वाला ही कर लेते हैं, कंट्री इज इक्वल टू यहां पे कंट्रीज का नाम, सो इंडिया और ईरान, इंडोनेशिया, इराक, आई डोंट नो, आयरलैंड, आइसलैंड लिख लिया भाई, इंडोनेशिया सी यानी आई से चल रहा है, इसराइल, अमीर याद ही नहीं आया, इटली, हो गया काफी है। नाउ कम्स वन कंसेप्चुअल पार्ट, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू एंड यू हैव अ डेटा सोर्स, बीट बी अ डेटाबेस और एरे, या फिर आप कहीं फाइल से डेटा फेच कर रहे हो, इन ऑल द केसेस डोंट यू थिंक, लेट्स टॉक अबाउट डेटाबेस, इट्स अ कंप्लीटली सेपरेट थिंग, लाइक जावा इज वन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस इज कंप्लीटली एल्स, कुछ और है वो। तो होता क्या है कि जब भी आप एक डेटा सोर्स रखते हो और एक यूआई एलिमेंट होता है और आपको दोनों को कनेक्ट करना होता है, इन एंड्रॉइड ये काम अचीव करने के लिए यू यूज समथिंग कॉल्ड एन अडैप्टर। सो अडैप्टर को एक डेटा पाइप की तरह समझो जो डेटा सोर्स और जहां पे डेटा चाहिए होता है उसके बीच में कनेक्शन की तरह काम करता है, समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिस्ट व्यू बनाएंगे। लिस्ट व्यू क्या होता है, लिस्ट वॉइस जो डिस्प्ले होता है, जैसे सावन में आपने गाने देखे होंगे एक के बाद एक आप स्क्रॉल करते हो, दैट इज अ लिस्ट व्यू। सो जब आप वो भी बनाओगे यू विल सी कि उसके लिए भी एक डेटा सोर्स चाहिए, और उसके लिए भी डेटा सोर्स को यूआई से कनेक्ट करने के लिए यू नीड समथिंग कॉल्ड एन अडैप्टर। अडैप्टर क्या होता है, इट्स अ पाइप बिटवीन डेटा एंड यूआई, ठीक है। सो हम यहां पे भी एक अडैप्टर बनाने वाले हैं,
और अडैप्टर बहुत तरीके के होते हैं. हम जो अडैप्टर बनाने वाले हैं उसका नाम है एरे अडैप्टर, बिकॉज हमारा डेटा सोर्स क्या है. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट एन अडैप्टर. और इट विल बी बेसिकली, देखो जावा में एंड्रॉइड में एवरीथिंग इज अ क्लास. सो अगर मैं बोल रहा हूँ एक अडैप्टर बनाना है, वो भी क्या होगा? एक क्लास, और हम उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे. राइट, सो हमारा जो क्लास है उसका नाम है एरे अडैप्टर. ये देखो, एरे अडैप्टर इज द नेम ऑफ द क्लास, और इसके अंदर आपने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है अडैप्टर. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू न्यू एरे अडैप्टर. ऐसे ही तो क्रिएट करते हो आप जावा में ऑब्जेक्ट्स. जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स यही है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और आपका फिर क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर वाले फॉर्मेट में. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इट्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इसको कुछ पैरामीटर्स आपको भेजने पड़ते हैं सो दैट आपका क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए, और वो तीन इनपुट्स आपको देने हैं, जिसमें से पहला इनपुट है कॉन्टेक्स्ट, कहां पर ये एरे अडैप्टर काम करेगा, विच इज मेन एक्टिविटी डॉट दिस. सो द फर्स्ट इनपुट विल बी मेन एक्टिविटी डॉट दिस. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट जहां पे आपका ये चीज काम करेगा. सेकेंड इज, हैव यू नोटिस जब आप टाइप करना स्टार्ट करते हो एक ओवरले निकल के आता है जिसके ऊपर बाकी के ऑप्शंस आते हैं. कभी यू राइट आर डॉट लेआउट, लास्ट टाइम ने क्या लिखा था अभी तक, आर डॉट आई डी. दिस टाइम देखो हम लोग चेंज कर रहे हैं, आर डॉट लेआउट. डॉट आप जैसे ही मारोगे आपको एक ही ऑप्शन आएगा, एक्चुअली मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, बस उसमें ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम. ये एक बिल्ट इन लेआउट फाइल है जो हर प्रोजेक्ट के साथ आता है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, और इसी के अंदर आपका डेटा डिस्प्ले होगा. राइट, और इसके बाद आप कॉमा लगाओगे और अपना थर्ड इनपुट दोगे विच इज द डेटा सोर्स. आपके केस में डेटा सोर्स क्या है? आपका कंट्री बोल के जो स्ट्रिंग एरे है, दिस इज इट. अभी भी मैंने आर फाइल नहीं समझाया आपको, आई नो दिस, बट नेक्स्ट क्लास में मैं ये सब कुछ समझाऊंगा. सो आज भी बस लिख लो आर डॉट आई डी के बदले, दिस टाइम वी आर यूजिंग आर डॉट लेआउट. I'll explain it. क्यू लेआउट यूज किया, क्यू आई डी यूज किया इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी. फॉर नाउ जस्ट राइट इट डाउन. तीन चीजें पास की, कॉन्टेक्स्ट कहां पे काम होगा, सेकेंड किस लेआउट फाइल में डेटा को डिस्प्ले करोगे, और थर्ड द सोर्स ऑफ द डेटा. क्लियर है? बट इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दो लाइन्स और लिखनी पड़ेंगी. उसमें से एक है ACTV, which is your autocomplete text view, dot set threshold. और इसके अंदर आप लिखोगे 1. Any guesses ये set threshold क्या करता होगा? ये क्या करता है? बहुत interesting है. 1 देने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका यूजर एक character टाइप करेगा उसके बाद से suggestion आना start होंगे. अगर आप 3 लिखोगे तो जब वो 3 लिखेगा, 3 अल्फाबेट्स टाइप कर चुका होगा, उसके बाद सजेशन आएंगे. कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका रीजन क्या है? लेट्स से 3 के बाद करने का क्या फायदा है? 1 के बाद हमेशा क्यों नहीं कर दो, या 0 के बाद ही क्यों ना करो? स्पेसिफिक होगा. स्पेसिफिक तो चलो ठीक है, स्पेसिफिक से अच्छा है आप हमेशा यूजेबिलिटी पे फोकस करोगे. स्पेसिफिक से ज्यादा द रीजन इज, लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक. फेसबुक पर अगर आप किसी को सर्च कर रहे हो, फेसबुक पर अगर आप किसी को सर्च कर रहे हो, तो यू आर बेसिकली सर्चिंग अमंग बिलियन ऑफ पीपल्स. राइट, अगर आप वहां पे पहले ही कैरेक्टर से सर्च का ऑप्शन देने लग जाओगे, डोंट यू थिंक कंप्यूटेशनली इट विल बी वेरी वेरी इंटेंस? बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. जैसे आपने 2 कर दिया, बहुत सारे सर्च रिजल्ट आउट हो गए. 3 कर दिया, और ज्यादा आउट हो गए, तो कम में कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है, तो आपका ऐप क्या होगा? फास्ट. हम यहाँ पे नहीं रखते तो शुरू से ही सर्च करने लग जाता. टाइप करते आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप टाइप करते उसमें ही आने लग जाता है. हमने क्या किया, 1 सेट किया, तो जब आई टाइप करेगा तब से सजेशन आने लगेगा. पॉइंट समझ में आया? फाइनली इतना करने के बाद वन लास्ट लाइन, एसीटीवी डॉट सेट अडैप्टर बोल के एक फंक्शन होता है जिसमें आप अपने अडैप्टर को पास कर दोगे, एंड दिस इज योर कोड. फॉर गाइज ये देखो कोड यहां पे स्क्रीन पे एक बार देख लो कैसा दिखाई देगा. सो इफ यू स्टार्ट टाइपिंग आई एन, देख लो आपको ऑप्शंस आने लग रहे हैं. अगर आप आई आर लिखो, इराक, ईरान, आइसलैंड,
देखा इस तरह का चीज पहले, दिस इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। कभी भी आप अपने ऐप में सर्च का फंक्शनैलिटी लगा रहे हो, यू शुड यूज दिस।